अर्थ जीरो पहला वर्ल्ड मल्टीवर्स का स्टार लैब डेट्रॉइट, जहाँ पर डॉक्टर विक्टर स्टोन से साइबॉर्ग कह रहा था डैड आप स्टार लैब से अभी निकल जाइए, आप घर की तरफ रवाना हो जाइए क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेजन हो रहा है और सारी सिटीज नीचे गिर रही है। पहले हमने गौतम को खो दिया और अब सेंट्रल सिटी भी हमारे हाथ से जा चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहे। जिस पर डॉक्टर स्टोन कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र है विक्टर, लेकिन तुम जिस इन्वेजन से गुजर रहे हो वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मेटल है और ये ब्लैक हॉक के लीगर्स के जरिए हुआ है। मेटल्स वाइब्रेट कर रहे हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर और मुझे इस बारे में तुमसे ज्यादा पता है, याद है ना? और तब हम देखते हैं वॉच टावर में साइबॉर्ग को, जो कह रहा था डैड मुझे आपकी फिक्र है, मैं यहाँ पर सेफ हूँ लेकिन मैं आपके बारे में नहीं कह सकता, मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ से अभी निकल जाए। हमने दो सिटीज को तो खो दिया है और शायद डेट्रॉइट अगली सिटी हो। जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि जस्टिस लीग के मेंबर्स का होम सिटीज अब धीरे धीरे तबाह हो रही है ना? जिस पर वो कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप सेफ रहे, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। और इसी के साथ आज का एपिसोड शुरू होता है, जो कि है द मर्डर मशीन। और इस सीरीज में हम बात करेंगे मर्डर मशीन के ओरिजिन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और तभी उसे टेलीपोर्टर पर कुछ हलचल सुनाई देती है, जिस पर वो कंप्यूटर पर चेक करता है कि टेलीपोर्टर पर कौन आया है। तब कंप्यूटर दिखाता है कि वो बैटमैन है और अपने पिता की कॉल आदि छोड़कर बैटमैन को ग्रेड करने चला जाता है और कहता है, बैटमैन तुम इन साइबरनेटिक आंखों से कहाँ चुप कर बैठे थे? लेकिन तभी मर्डर मशीन उस पर हमला कर देती है और आगे बढ़ते हुए वो कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है साइबॉर्ग, क्योंकि अब मैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए आया हूँ। और तब हमें दिखाई जाती है अर्थ -44 डार्क मल्टीवर्स की एक महीने पहले, क्योंकि ये डार्क मल्टीवर्स की अर्थ है, इसके लिए इसके सारे इनिशियल्स निगेटिव है यानी कि माइनस। और तब हम देखते हैं अल्फ्रेड को हार्ली क्विन, टू फेस और क्लियर क्रॉक के जरिए मार खाते हुए, और वो पूछ रहे थे बैटमैन का पता, लेकिन अल्फ्रेड उन्हें नहीं बताता। इस वजह से बेन उसे उठाकर उसकी कमर तोड़ देता है। और तब दूसरी तरफ हम देखते हैं बैटमैन को, जो ये रिकॉर्डिंग बार बार देख रहा था, और बाकी लीग के मेंबर्स उसे समझा रहे थे कि ऐसा करना अच्छा नहीं है ब्रूस। तब ब्रूस कहता है, सही नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सही नहीं है। सही ये नहीं है कि हम उस आदमी को भूल गए जिसने मुझे एक पिता की तरह प्यार दिया, जिसने मुझे बड़ा किया एक पिता की तरह, और अब वो हम में नहीं है क्योंकि उसे मार दिया गया और मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सका, ये सब मेरा फॉल्ट है। जिस पर क्लार्क उसे समझाता है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उनके इस बलिदान को जाया ना जाने दो, और ये कहकर लीग के सारे मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन विक्टर स्टोन यानी कि साइबॉर्ग को बैटमैन ये कहकर रोक लेता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने थोड़े दिनों पहले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करने के लिए अल्फ्रेड के माइंड को स्कैन किया था और मैं उसे नाम देने वाला था अल्फ्रेड प्रोटोकॉल, लेकिन मैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑनलाइन नहीं ला सकता तुम्हारी मदद के बिना, तुम मेरी मदद करो क्योंकि वो मेरे लिए फादर की तरह थे और मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। और यहाँ हमारे अर्थ पर हम देखते हैं मर्डर मशीन साइबॉर्ग को बुरी तरह से पीट रही थी, लेकिन साइबॉर्ग भी उसे करारा जवाब दे रहा था। और तभी मर्डर मशीन अल्फ्रेड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल कर देते हैं वॉच टावर में। और तब हमें दिखाई जाती है अर्थ 44 एक महीना पहले, जहाँ पर अल्फ्रेड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेन को मार देता है, जबकि वो कह रहा था कि मैंने अब वो सब छोड़ दिया है, मैं बैटमैन के पीछे नहीं एयरपोर्ट जा रहा हूँ अपने घर जाने के लिए, लेकिन फिर भी अल्फ्रेड प्रोटोकॉल उसे मार देता है। और ये सब देख रहा था ब्रूस वेन अपने कंप्यूटर पर। तभी वहाँ पर साइबॉर्ग आकर उससे कहता है, तुम्हें ये सब रोकना होगा ब्रूस, हमें अल्फ्रेड प्रोटोकॉल को बंद करना होगा क्योंकि वो लोगों की जान ले रहा है। तब वहाँ से जाते हुए विक्टर स्टोन यानी कि साइबॉर्ग कहता है, देखो ब्रूस, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि उसे अंदर मत आने देना, और अगर तुमने उसे अंदर आने दिया तो मुझे वो कदम उठाने पड़ेंगे जो मैं उठाना नहीं चाहता। और तब हम देखते हैं हमारे अर्थ जीरो पर मर्डर मशीन और साइबॉर्ग की बहुत बुरी तरह से लड़ाई चल रही थी, और इस लड़ाई में मर्डर मशीन अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाकर साइबॉर्ग को लगभग हरा देता है। और एक मर्डर मशीन जाकर डॉक्टर विक्टर स्टोन यानी कि साइबॉर्ग के पिता को मारने के लिए स्टार लैब पहुंचती है, और बाकी सारी कॉपीज शहर में तबाही मचाने लगती है। तब ये सब देखकर गुस्से में साइबॉर्ग उन सभी कॉपीज पर हमला करने लगता है, जिस पर मर्डर मशीन कहता है, तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकते, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे यहाँ रोक पाओगे जबकि तुम मुझे अपने वर्ल्ड में नहीं रोक पाए। और तब हम देखते हैं अर्थ -44 में, जहाँ पर सारे लीग के मेंबर्स घायल पड़े थे और उन्हें मार रही थी मर्डर मशीन्स, जिसमें से आखिरी बचा था साइबॉर्ग, जो मर्डर मशीन से कह रहा था
मुझे पता है कि तुम अभी भी अंदर हो, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। तुम उस प्रोटोकॉल को अपने से बाहर जाने दो और तुम फिर से तुम बन जाओगे। इस पर मर्डर मशीन कहती है, विक्टर तुम्हें लगता है कि इतनी कोशिश के बाद मैं अपने फादर को जाने दूंगा? अब मैं और मेरे फादर एक हो चुके हैं और बाकी तुम लोग सिर्फ वीकनेस हो, और वीकनेस को मैं जड़ से उखाड़ देता हूँ। और इतना कहकर वो साइबॉर्ग को मार देता है। और तब आता है हेराल्ड बारबाडोस का, जो उसे वही ऑफर देता है जो उसने रेड डेथ को दी थी, और उसे एक्सेप्ट कर लेता है मर्डर मशीन। और यहाँ हमारे अर्थ पर विक्टर स्टोन भारी पड़ रहा था मर्डर मशीन पर, और वो उसकी फोर्स फील्ड तोड़कर मर्डर मशीन को मारने ही वाला था कि तभी डार्क मल्टीवर्स के दूसरे बैटमैन आकर साइबॉर्ग को मारने लगते हैं और एक एक करके उसके पुर्जे उखाड़ कर उसे मार देते हैं। और तब हम देखते हैं कि उन्होंने ये सिटी भी पूरी तरह से पोल्यूट कर दी थी, पूरी तरह से डार्कनेस में इन्वॉल्व कर ली थी, और दूसरी तरफ उन्होंने वॉच टावर भी अपने हिसाब से रिबिल्ड कर दिया था। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है तो मुझे कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर आपके पास इस चैनल के डेवलपमेंट के लिए कुछ सजेशंस है तो भी दें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।